चंडीगढ़ भी पीजीआई रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कोलकाता दे आरजीकेआर मेडिकल कॉलेज दे विच पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी दे नाल जबर जनाह ते कतल दे उपर डूंगा दुख जाहिर कीता। घटना नूं लैके एसोसिएशन दे वल्लों सोमवार नूं कैरो ब्लॉक दे विच रोस मार्च कढ़िया गया। इस दौरान डॉक्टरां ने न्याय दी मांग कीती ते कहा है कि अजिहे उदाहरण स्थापित करन दी लोड़ है जिस दे विच भविख दे विच अजिहियां घटनावां दुबारा ना होण। डॉक्टर ने पीड़ित परिवार दे प्रति दुख जाहिर करदिया कहा है कि उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई ओह हर संभव कदम चुकणगे। रात में नहीं दिख रहा है, जैसे आपका क्या है कि जो एक रेजिडेंट फीमेल रेजिडेंट जो अपनी ड्यूटी में रह रही है, रात ड्यूटी में जो अपना घर छोड़ के सब कुछ छोड़ के वहाँ पे पेशेंट केयर के लिए बैठ रही है, उनको मतलब रात में रेप होकर उनका मर्डर हुआ है, तो कहाँ पे सिक्योरिटी है? कहाँ पे दिख रहा है सिक्योरिटी? कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है सर। तो अभी यहाँ भी आप पीजीआई में देखो, यहाँ पे कुछ हुआ तो यहाँ पे किसी पे हाथ उठा सकते, कोई अटेंडर आकर उठा सकता है हाथ? कहाँ पे जस्टिस? कहीं पे जस्टिस नहीं है सर। हमारा डिमांड ये है कि सर जो भी आपका कल्प्रिट है उसको हिरासत में ले लिया जाए, जो मेन कल्प्रिट है किसी स्केपगोट नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा हमारा मेन वो है कि हमारा जो भी रेजिडेंट्स है उनके सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रावधान किया जाए। इसके लिए क्या है कि सर जो भी हमारे जो आम पब्लिक हैं उनको मेन अवेयरनेस करना चाहिए और जो बिल निकालना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उनको जन्म कैद या मृत्यु दंड की जैसे सजा होना चाहिए, तो भी ये कम होगा। आज हमने इधर सारे इकट्ठा हो गया, लाइक द प्रोटेस्ट वी आर doing right now is in favor of our fellow colleague who had been succumbed to a brutal crime which is not explainable on open platforms, who was raped and murdered. It's a kind of brutal crime which is completely condemnable, and as a part of national wide protest we are here joining with other students also. Abhi jo ho raha hai, like abhi jinka wo doctor sahab ka hua hai rape aur murder in Kolkata Arjikar Medical College mein, हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उधर जो कल्प्रिट्स जो है, जो वो उसमें जो इन्वॉल्व हुआ है उसको बचाने का बहुत मेहनत कर रहे हैं टीएमसी गवर्नमेंट एंड द लोकल प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उधर, वो दे आर कम्प्लीटली बैकिंग, मतलब उनको बचाने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे रेजिडेंट्स, उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मतलब उनको डरा रहे, उनको हॉस्पिटल कॉलेज से भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और जो रेजिडेंट को हुआ है उनको फाइनल जस्टिस हमने देने के लिए इन सपोर्ट ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री हम इधर हड़ताल करने के लिए प्लान किया हुआ है। अभी हमने इलेक्टिव सारा ओपीस ओटीस सब कुछ बंद कर दिया है। अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड होंगे इमरजेंसी कब तक बंद करना है। ये काफ़ी शर्मनाक इंसिडेंट है, कोई महिला के साथ ऐसे, कोई रेजिडेंट जो कि ड्यूटी पे हो उसके साथ ऐसा होना, तो ये हम चाहते हैं कि जस्टिस मिले और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो। किसी को, ये किसी की बेटी थी, वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए वो ट्रेनिंग पे थी, तो वो अगर होती तो एक और हम लोगों को, शी वुड हैव बीन अ पब्लिक सर्वेंट, इट वुड हैव बीन अ गुड थिंग फॉर द सोसाइटी, एंड नाउ शी इज़ डेड। एंड ऐसे कंडीशंस में तो ऐसा तो बुरा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई प्रोब हो, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी है मुजरिम उसको सजा मिले। उते ही एसोसिएशन ने मांग की थी है कि पूरे मामले दे विच जांच की जिम्मेदारी सीबीआई नूं सौंप दित्ती जावे। तो उते ही आरजीकेआर मेडिकल कॉलेज दे विच रेजिडेंट दियां सारियां मंगां ते लोड़ां नूं तुरंत पूरा कीता जावे। प्रशासन दे जो कर्मी मामले नूं दबाउण दी कोशिश कर रहे ने उन्हां दे उपर कारवाई कीती जावे। जगबानी टीवी दे लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।